नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रेंड टाइम न्यूज। मैं विजयलक्ष्मी शर्मा। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारतीय पत्रकार संघ का 20वां प्रांतीय सम्मेलन प्रयागराज में मनाया गया। भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश चंद्र द्विवेदी ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। तत्पश्चात अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता कोई खेल नहीं, पत्रकारिता करने के लिए कलेजे की आवश्यकता होती है। अतः इस परिस्थिति में समस्त पत्रकारों को अनुशासन में रहकर पत्रकारिता करनी चाहिए, तभी संगठन मजबूत हो सकता है। वहीं प्रदेश भर के समस्त जिलाध्यक्षों को संगठन को मजबूत करने पर बल दिए। कार्यवाहक अध्यक्ष अरुण कुमार द्विवेदी ने संगठन की मजबूती पर विशेष बल दिया। वह साथ ही श्री अरुण जी के संदिग्ध के निरंतर ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय पत्रकार संघ बलिया से लेकर नोएडा ही नहीं, कई प्रांतों में अब अपनी संख्या बल का एहसास दिला रहा है। प्रयागराज की सरजमी पर जिस तरह से सम्मेलन हुआ, वह पत्रकार साथियों संघ अधिकारियों का सहयोग सराहनीय रहा है। साथ जो लोग बाग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सादगी के कायल रहे, वही उनके ओजस्वी वाणी से शब्द सुनकर भाव विहल भी हुए। साथ ही उनकी हर तरफ सक्रियता ने उपस्थित जन को सोचने पर विवश कर दिया। हुजूम के बीच सबको सम्मान आदर देकर जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष यूं अरुण कुमार जी ने सबको सम्मान दिया, वह अनुकरणीय रह पत्रकार साथी हमेशा याद रखेंगे तथा बराबर संघ को मर्यादा में रहकर संगठन को बुलंदी पर पहुंचाने में सहयोग करेंगे। जनपद के पत्रकारों व संगठन के लोगों ने जो सहयोग दिया है, उसके लिए हम सभी दिल से आभारी हैं। बलिया से संजय राय की एक रिपोर्ट। तो ये महत्वपूर्ण सुझाव भी देते हैं और ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि आप तनाव अधिक हो जाते हैं, हमेशा हंसते खिलकाते रहते हैं। और यही कारण है जिसके कारण इनके साथ इतने लोग हैं, सब जुड़े हुए हैं, ऑफिसर जुड़े हुए हैं और आप लोग जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो आदर्श पत्रकारिता के जो स्लिप ये देते हैं अपने जूनियर्स को या अपने संपर्क लोगों को, उसके अलावा ये अपने व्यक्तित्व की विशिष्टता से भी लोगों को प्रभावित करते हैं। बाकी पत्रकार और पुलिस का संबंध बहुत हमें प्रदेश के प्रभारी हुए राम लखन सिंह जी यहाँ मौजूद, तमाम वरिष्ठ पत्रकारगण आप लोग दूर हो रहे हैं, आप लोगों की बातों से बहुत कुछ पत्रकार जगत के बारे में जानने का मौका मिला। आपसे मिलने की बहुत उत्कंठा थी, उत्कंठा इसलिए थी कि आप लोग ग्रामीण अंचल से आते हैं जिसके बारे में हम कहते हैं कि भारत माता ग्राम पास। दूसरी उत्कंठा इसलिए थी कि नागर समाज की तरह किसी साचे और खांचे में फैली हुई मेधा की बजाय लोक में विराजी हुई मेधा और लोक में बैठी हुई भाषा और उसकी बातचीत के जरिए आप पूरे ग्रामीण अंचल की खबर आप तक देते हैं। इस बात के लिए आपसे मिलना चाहता था, आपसे रूबरू होना चाहता था। आपके बहुत समय हुआ, लेकिन कभी प्रभात जी की किताब पढ़ते हुए मुझे ध्यान आता है कि अपने शुरुआती दिनों में प्रभात जी किसी एक अज्ञात गांव में काम करते थे और वहां अज्ञात इस अर्थ में कि वो उनका अपना गांव नहीं था और उस स्थान पे वो दिन में आटा चक्की चलाते और उससे अपनी आजीविका को निकालते थे। मकसद ये था कि जो पत्रकारिता का काम है वो पेशा की तरफ बना रहे कि उससे हमें अनुपार्जन करना है, अनुपार्जन का जरिए अलग हो, पत्रकारिता का काम अलग हो। हालांकि अपने कैदो समाज में रह रहे हैं और आर्थिक आवश्यकताओं के बगैर पूरे हुए ये कल्पना नहीं कर सकते कि पत्रकारिता अच्छे से और बढ़िया तरीके से चलेगी, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उन सिफारिशों का पूर्ण से अनुपालन अखबार के मालिकों द्वारा किया जाए और आपको वो सारी चीजें मिले जिससे कि ऐसे प्रलोभनों से हम बच सकें या ऐसी चीजों से हम बच सकें जो पत्रकारिता को प्रदूषित करती है। लेकिन तमाम आयोग आते हैं, उनकी प्रस्तुतियां आती हैं और वो अंततः लागू नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए आपको बात भी करनी चाहिए
और इसमें हमारा आपको समर्थन भी है। आपके चलते जो हमारी ग्रामीण पत्रकारिता की भाषा है उसका भी एक अपना फ्लेवर, उसका भी एक अपना आनंद है, और इसलिए भी मैं जो ग्रामीण क्षेत्र से खबरें सकती हूँ ध्यान से पढ़ता हूँ। प्राय हमने देखा है कि जो हमारी नागर पत्रकारिता है उसकी भाषा बड़ी मूर्ख सी हो गई है, एक ही भरने में खबर सकती है, एक ही तरह की खबर सकती है, लेकिन जो गांव की घटनाएं होती है उसमें बड़ा जल भी होता है, बड़ा आनंद भी होता है, रस भी होता है, और उससे जो हमारी पत्रकारिता की भाषा है वो बहुत समृद्ध हो जाती है, और ये समृद्धि तब तक बनी रहेगी जब तक हम साहब।